नटवर लाल ने रामू से क्या बोला दादाजी? नटवर लाल बोला, रामू रामू, अरे अभी कहाँ है बच्चा, हमारे पास आया नहीं। रामू गुस्से से बोला नटवर लाल से कि सेठ सेठ जी आप भी कमाल करते हैं, अभी आपने बोला ले जाके साले को पत्थर पे पटक दो, मैंने पटक दिया, अभी आप जाके देखो क्या हुआ, मुझे नहीं पता है। जब जाके नटवर लाल देखता है तो बच्चे के प्राण पखेड़े उड़ गए थे और बच्चा वहाँ पे मरा पड़ा था। अब सर पकड़ के नटवर लाल वहाँ बैठ के रोने लगा, कहा हे भगवान, मैंने कैसे नौकर को रख दिया, यह नौकर है कि पापी है, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरी बकरियों को मार दिया, दिन भर दबा के खाता है। रामू उठा बोला सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। तो क्या हुआ दादाजी, नटवर लाल ने रामू को नौकरी से निकाल दिया? कैसे निकाल देता बेटा, क्योंकि पहले से ही यह शर्त थी कि कोई निकलेगा या निकालेगा उसकी नाक और कान काट ली जाएगी। इसलिए नटवर लाल बहुत मन ही मन गुस्से में था, सोच रहा था। नटवर लाल की पत्नी ने कहा, आज तक जितने भी नौकर आए सबका नाक कान आपने काट लिया, लग रहा है कि ये आपका नाक कान काट लेगा। एक काम करिए, कहीं चुपके से हम लोग भाग चलते हैं, ये सो रहा है इसको सोने दे। बेटा फिर एक योजना बना के दोनों लोग भागना चाहते हैं, तभी तभी क्या दादाजी? तभी बेटा रामू भी जाग जाता है, बोलता है सेठ जी मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे छोड़ के आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये बोरिया बिस्तरा बांध के। अब मरता क्या न करता बेटा सेठ नटवर लाल जी बोले, अरे नहीं नहीं हम तुम्हें जगाने ही वाले थे, आओ तुम भी चलो, हम लोग अब दूसरी जगह रहेंगे। बेटा रामू भी साथ में धीरे धीरे चल देता है, चूंकि रात थी नींद आ रही थी, तो मन ही मन नटवर लाल जी सोचे कि ये कुएं के पास सोते हैं और रात में धक्का दे देंगे, कुएं में गिर के मर जाएगा। यही योजना अपनी पत्नी को समझाते हैं। बेटा जब तीनों लोग सोते हैं तो सेठ के पास सेठ की पत्नी सोती है कुएं के तरफ, रामू को कर देते हैं रात में धक्का मारने के लिए। लेकिन रामू क्या करता है कि उनकी पत्नी को किनारे खिसका के बीच में सो जाता है। तो फिर क्या हुआ रात में दादाजी? बेटा रात जब हो गई तो सोचा सेठ नटवर लाल ने कि धक्का मार के इसको कुएं में गिरा देते हैं, मर जाएगा, झंझट साफ हो गई। बेटा जोर से उसने धक्का मारा और अपनी बीबी को ही कुएं में गिरा दिया। बेटा जब सुबह हुई तो रामू उठा बोला सेठ जी अरे सेठानी तो नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ गई? बेटा नटवर लाल बैठ के देखा तो सोच में पड़ गया कि ओ मैंने रात में शायद अपनी पत्नी को ही कुएं में धक्का मार दिया। जब देखते हैं तो पत्नी मर के कुएं में पड़ी हुई है। नटवर लाल बैठ के बेटा बिलखाने लगता है, रोने लगता है कि हे भगवान। तो फिर क्या हुआ दादाजी, नटवर लाल अपने नाक कान कटा लेता है? हाँ बेटा, नटवर लाल बिलखते हुए बोला कि रामू तुमने मेरी बकरियों को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बीबी को मार डाला, अब मैं ही तो बचा हूँ, मेरी नाक कान क्या मुझे पूरा ही मार डाल तू। रामू मुस्कुराते हुए बोला सेठ जी मेरी पगार पहले 500 रुपये पगार लेता है, अब फिर उसके बाद गुस्से से उनके पिछवाड़े पे एक लात मारता है। भैया नटवर लाल सेठ जी कुएं में गिर के चीचा पू पा करते हुए मर जाते हैं। रामू खुशी खुशी घर आता है और अपने भाई राजू से कहता है कि भैया मैंने उस कंजूस नामाकूल से बदला ले लिया है, उसे मार के मैं आया हूँ, भैया अब आप खुश हो जाइए। फिर खुशी खुशी तीनों साथ मिलके रहने लगते हैं। दादाजी नटवर लाल के साथ बिल्कुल सही हुआ, रामू ने जैसा किया वो बिल्कुल सही था, उसने कई लोगों के नाक कान काटे थे ना, अब उसे पता चला होगा। हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो।
तो बेटा आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल दूसरी कहानी तुमको सुनाऊंगा। टाइम से आ जाना, ठीक है? घर पे लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलो जाओ, ठीक है? दादाजी आज बहुत मजा आया, ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय।